बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल CCTV सिक्योर कैंपस GPS एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल्फ कोचिंग स्टेम प्रैक्टिस स्कोरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड मेनी मोर एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ विशाल सिंह। नगर पालिका से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में आज हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद बिस्वा क्षेत्र की। यहां वर्ष 2007 से अब तक सर्वाधिक लगातार 3 बार चेयरमैन बने रहने का रिकॉर्ड सीमा राजू जैन के नाम दर्ज है। सीमा जैन वर्ष 2007 में पहली बार चेयरमैन चुनी गई थी, उन्होंने अब्दुल अतीक को हराया था। 2012 में हुए चुनाव में वो फिर अध्यक्ष चुनी गई। वर्ष 2017 के चुनाव में मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में फिर से वो सफल रही, यानी कि मौजूदा समय में निवर्तमान चेयरमैन है। वर्ष 2023 में संपन्न हो रहे निकाय चुनाव में भाजपा के सिंबल पर वो फिर से मैदान में है। जनता उन्हें चौथी बार मौका देती है या नहीं, ये तो 13 मई को ही परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। नगर पालिका के पहले चेयरमैन मूलचंद्र मेहरोत्रा थे, जो पूर्व में टाउन एरिया के चेयरमैन थे। इसके बाद दूसरी और तीसरी बार बाबू कृपा दयाल श्रीवास्तव को चेयरमैन चुना गया। चौथी बार स्वामी दयाल मेहरोत्रा, फिर जाफर अली अंसारी अध्यक्ष बने। इसके बाद शहादत अली ने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली। 1971 से 1976 तक नरेश श्रीवास्तव चेयरमैन रहे। 1976 से 1988 तक, यानी 12 वर्ष प्रशासक के हाथ में कमान रही। वर्ष 1998 में जनता से चुनाव शुरू हुआ, तब अब्दुल अतीक खां अध्यक्ष चुने गए। उनका कार्यकाल 1993 तक रहा। कुछ दिन के प्रशासक के बाद 1995 से 2000 तक कनीज फातिमा अध्यक्ष चुनी गई। वर्ष 2001 में अब्दुल अतीक फिर चेयरमैन चुने गए। उनका कार्यकाल 2006 तक रहा। इसके बाद प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। वर्ष 2007 में जब चुनाव हुआ तो सीमा जैन अब्दुल अतीक को हराने में सफल रही। वर्ष 2012 और 17 के चुनाव में सीमा जैन लगातार जीतती रही। वर्ष 2023 में संपन्न हो रहे चुनाव में मतदाता किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ये बाद में पता चल सकेगा। बता दे चले कि बिस्वा में नगर पालिका के कार्यालय के भवन की नींव संयुक्त प्रांत के प्रधान गोविंद बल्लभ पंत ने 1949 में रखी थी, जो बाद में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 8 मार्च 1950 को इसे नोटिफाइड टाउन एरिया का दर्जा मिला, जो 1951 में नगर पालिका हो गई। वर्ष 1986 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री पद्मा सेठ ने इसे ब्री ग्रेड की नगर पालिका करवा दिया था। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।